नया साल शुरू होते ही सबसे पहले जो त्यौहार आता है वह मकर संक्रांति। इस साल ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और इसे बहुत ही लोग सेलिब्रेट भी बहुत अच्छे से करते हैं। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का काफ़ी महत्व है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। ऐसे में मकर संक्रांति मनाने के कुछ नियम भी हैं। यदि आप इनका पालन सही तरीके से करेंगे तो जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आइए, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। दूर दूर से लोग इस दिन गंगा नदी में स्नान करने पहुंचते हैं। गंगा के अलावा अन्य पवित्र नदियों में भी स्नान किया जाता है। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हो तो अपने घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं और जल जब भी आप इस दिन अर्पण करें आप उसमें काले तिल और गुड़ जरूर डालें, इससे जो है आपका जल चढ़ाना सार्थक हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा करने से जीवन में खुशियां आती हैं। संक्रांति पर भगवान शिव, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी करें विशेष रूप से। मकर संक्रांति के दिन दान का खास महत्व होता है। इस दिन दान किया गया आपका पूरे जीवन भर आपको इसका फल मिलने वाला है। गरीबों को अन्न, कपड़े आदि दान करें, गाय को चारा खिलाएं, छोटे छोटे पौधे लगाएं, इनका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। घर में नया झाड़ू अवश्य इस दिन खरीद कर लाएं, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, उनका आदर सम्मान करें। संक्रांति के दिन अपनी तिजोरी में रखे जेवरातों को निकालें, उन्हें गंगा जल से धोएं, इसके बाद उन पर हल्दी लगाकर पहने। घर में तिल और खिचड़ी जरूर बनाएं और खाएं और ब्राह्मण को भी इस दिन आप भोजन या फिर दान जरूर करें। अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खुद भी इस दिन खाना जरूर खाना चाहिए। ये तो वो बातें थी जो हमें करनी चाहिए, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो मकर संक्रांति पे ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, उनकी भी लिस्ट आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। इस दिन आपको जो है तन मन के साथ बिल्कुल दिल भी साफ रखने की ज़रूरत होती है। आप जिनसे भी मिले उनसे आदर और प्रेम से बात करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी पेड़ पौधे को नुकसान ना पहुँचाएँ। हो सके तो फल सब्जियाँ वगैरह का सेवन भी आज के दिन करने से आप थोड़ा पीछे हट जाएँ। तुलसी जी को नुकसान बिल्कुल ना पहुँचाएँ। मकर संक्रांति के त्यौहार पर यदि घर में बड़ों का अनादर होता है तो इससे सूर्य भगवान और शनिदेव आपसे रोष्ट होते हैं, तो इस दिन ये गलती भी बिल्कुल ना करें। काले रंग के कपड़ों का परहेज आप इस दिन अवश्य करें, यानी कि काला वस्त्र इस दिन धारण बिल्कुल ना करें। संक्रांति के दिन तामसिक भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। आलू, प्याज, लहसुन आदि जितनी भी चीज़ें होती हैं जो जमीन के अंदर होती हैं ये सब मांसाहार में शामिल होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस दिन इन चीज़ों का सेवन करने से आप परहेज रखें। शराब का सेवन वर्जित है इस दिन, भूल कर भी इस दिन मद्यपान का आप ना करें सेवन। किसी भी गरीब अथवा पशु को दान करते समय मन में दुर्भावना ना लाएं। पुराना अथवा बासी भोजन का भी इस दिन दान नहीं करना चाहिए, इसका भी आपकी किस्मत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।